हरियाणा भाजपा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने महिला राखवांकरण बिल के लोग सभा में पास होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोग सभा में महिला रिजर्वेशन बिल के पास होने पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने देश की सारी औरतों को भी इसलिए बधाई दी है। देखिए, होनी चाहिए, एक एक लड़ाई महिलाओं ने कितने वर्षों तक लड़ के जीती है और ये लड़ाई भी बहुत लंबी चली है और इसलिए महिला शक्ति का चाव भी उसी बहुत देरी से मिला है तो चाव भी उसी प्रकार से दिख रहा है। वर्षों से इसकी संकल्पना होती रही, कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन करके दिखाया और उसका उत्साह और चाव किसी एक ज़माने में दुनिया में वोटिंग राइट के लिए बहनें लड़ती थी और अब वोटिंग राइट का विषय नहीं है, अब रिप्रेजेंटेशन का विषय है। तो शक्ति रूपेण संस्थाएँ अब सार्थक हो रहा है और इससे केवल राजनीति बदलेगी ऐसा नहीं, मैं कहूँगा पूरे सामाजिक परिवेश में बदलाव आएगा। बड़ी विजय है सर, एक बड़ा ट्वीट आपने किया घोड़े घोड़े किया उसका मतलब है और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानते हैं कि बारात में जाना महिलाओं के लिए संभव नहीं होता था, उस दौर को इस दौर को 2023 को कैसे? लेकिन दुनिया के हर मुल्क में बहनों ने, मैंने वो एक फिल्म भी देखी इसमें नासा में 3 बहनों ने काम करना शुरू किया और उनके लिए बाथरूम तक नहीं थे, दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता था। यानी एक एक चीज़ की लड़ाई कैसे लड़ते लड़ते, घोड़े घोड़े चाबी एक प्रतीकात्मक फिल्म है, जब बहनों को बारात में नहीं जाने दिया जाता था, केवल पुरुष जाते थे और उस समय वो संघर्ष करती हैं कि दादी को भी जाना चाहिए, ताई को भी जाना चाहिए, चाची को भी जाना चाहिए और उसमें पूरी फिल्म में कैसे संघर्ष करके सफलता लेती हैं और उसके लिए अभिव्यक्ति का शब्द उन्होंने बहुत प्यारा दिया कि चाव जो है वो यहाँ तक घुटनों तक आ गया नीचे से चल के, यानी पैर बड़े चाव से उठ रहे हैं। आज बहनों को देख के वैसे ही चाव से पैर उठ रहे हैं, तो उसी तरह से संसद जाने के लिए आपने उनको कवर करना चाहिए, तो उतने ही चाव में सब भरी हुई हैं इस बड़ी विजय के।